हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का। बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं लव रंजन। लव रंजन अपने रोम कॉम के लिए बहुत ही फेमस है। बता दें इससे पहले उन्होंने प्यार का पंचनामा 1 पार्ट 2 और ट्विटी की स्वीटी बनाई थी। मतलब नाम बहुत लंबा है, मुझे बस ट्विटी की स्वीटी बोलने आता है। तो बता दें कि इसके अंदर उन्होंने क्या जलवा दिखाया है। मतलब कि पहले ही बता दूं कि ये फिल्म भी उसी टाइप की, उसी जोनर की है जिस टाइप से वो फिल्म बनाते हैं। लेकिन हाँ, उनका कमाल और मैजिक यहाँ पे चला है। मतलब क्योंकि पुरानी फिल्मों में एक ही सेम एक्टर कास्ट किए जाते थे। मतलब कि कार्तिक आर्यन जो थे वो उनके फेवरेट आर्टिस्ट थे, जो कि उनके रेगुलर तीनों मूवीज़ में वही कास्ट किए गए थे। लेकिन हाँ, यहाँ पर रणबीर कपूर अपने इस रोल को फिट करते हैं या नहीं करते हैं और श्रद्धा कपूर का रोल कैसा था, इसके ऊपर बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है दोनों के मोहब्बत के साथ। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रोमांस है, कॉमेडी है और हाँ, इसमें बसकर बस्सी भी है। उसके सीन कितने हैं आपको इस फिल्म में देखोगे तो पता चल ही जाएगा। लेकिन हाँ, जितना भी था एक दोस्त के नाते उनका अच्छा ही रोल था। फिल्म में एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो रणबीर कपूर की एक्टिंग तो कमाल की थी, साथ ही साथ श्रद्धा कपूर की परफॉर्मेंस भी कमाल की यहाँ साबित हुई है। फिल्म के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की स्टोरी वही कॉमेडी और रोमांस की तरफ था, जहाँ फिल्म के अंदर बोनी कपूर और डिम्पल कापाड़िया भी है, जो कि एक्चुअल में फादर मदर का रोल प्ले कर रही है। फिल्म जो है अभी के यंग एज को टारगेट करती है, जो कि अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है उसी को टारगेट करते हुए पूरी फिल्म को एक्सप्लोर किया गया है। जैसे कि लव रंजन का टेस्ट है और उनकी जो दिखाने का तरीका है वो कमाल का ही है। वो हर एक रिलेशनशिप को कुछ अलग ही नज़रिए से देखते हैं और इस तरह से दिखाया गया है। आप फिल्म देखोगे तो पता चल ही जाएगा, ये लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं आपके आसपास के दोस्तों में ही घट रहा होगा और उसी चीज़ को वहाँ पे दिखाया गया है। मतलब कि फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है स्क्रीन पे। और हाँ, एक बार फिर से लव रंजन का जादू जो है वो स्क्रीन पे चला है। बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट की मैं बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक ये फिल्म आज रिलीज हुई है। तो आई होप बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा ये फिल्म करे। रणबीर कपूर की भी अच्छी टाइम चल रही है तो मेरे हिसाब से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन करेगी। आप लोग यदि आपने फिल्म देख लिया तो आपको कैसा लगा फिल्म, आप नीचे कमेंट करके बताओ।